नमस्कार, अन्वेषक लीडर्स के लिए सरकार का बुलावा, आज की खास रिपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट। अन्वेषकों को सरकार की ओर से बुलावा, वार्ता होगी। नई शिक्षा नीति लागू होने के क्या अन्वेषकों को फायदे होंगे और क्या घाटा, क्या संविधा समाप्त होगी, स्कूल चलो अभियान को शुरू करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। अन्वेषकों के लिए रिन्यूअल प्रपत्र नवीनीकरण वायरल हो रहा है, क्या है उसका सच, कब तक देना है भरकर। नमस्कार, यहाँ पर एक सबसे बड़ी खबर अन्वेषकों के लिए निकल कर आ रही है। अन्वेषकों के लिए क्या है अपडेट, हम आपको बताना चाहेंगे विस्तार पूर्वक इस समाचार में। अन्वेषक संघ को बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण आया, समाचार है। प्रदेश के समस्त अन्वेषक शिक्षक साथियों को सूचित किया जाता है, आज शासन द्वारा मुझे सूचना दी गई, आप सभी परेशान ना हों, बैठक होने जा रही है बहुत जल्द, जिसमें मुझे शामिल होने का अवसर मिल गया है। साथियों, संगठन कई हैं, सभी को सूचनाएं जा रही होंगी, ना जा रही हों, मेरा जाना सुनिश्चित है। मेरा अब फैसला आर पार का होगा, मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। अनुदेशक शिक्षकों का नियमित किया जाना बस यही सबसे पहले मेरे लिए मायने रखता है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। साथियों, अब मीटिंग के बाद आप सभी को अपडेट कर दूंगा, क्या वार्ता हुई, क्या मीटिंग हुई और लखनऊ से भी खबर प्रकाशित होगी। अन्वेषक एकता जिंदाबाद। नई शिक्षा नीति की हाइलाइट्स। 1 अप्रैल 2022 से सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से लागू NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। शिक्षक भर्ती, सभी राज्यों में बनेगा शिक्षक सेवा चयन आयोग। प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, LT, TGT, PGT इत्यादि सभी शिक्षक भर्ती अब नए आयोग के अधीन। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, शिक्षक सेवा चयन आयोग हर वर्ष फरवरी मार्च में जारी करेगा कैलेंडर, नियत समय पर आएगी भर्ती, तय समय पर होगी परीक्षा, भर्ती परीक्षा निश्चित अवधि में पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। समस्त कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक इत्यादि का ट्रांसफर अपने आकांक्षी जिले में नई भर्ती में नियुक्त पाने वाले शिक्षक को भी मिलेगा अपना ज़िला। हर वर्ष आएगी शिक्षक भर्ती, 6 माह से ज़्यादा नहीं रहेगा कोई पद खाली, 3 माह से ज़्यादा समय के लिए नहीं रखे जाएंगे संविदा शिक्षक, 3 माह में ही जारी करना होगा स्थायी नियुक्ति विज्ञापन। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, वित्त विहीन, अतिथि शिक्षक, कस्तूरबा विहान इत्यादि सभी संविदा के पदों को किया जाएगा समाप्त, सभी पदों पर सिर्फ स्थायी नियुक्तियां ही होंगी। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, वित्त विहीन, अतिथि शिक्षक, कस्तूरबा विहान इत्यादि संविदा कर्मियों को शिक्षक भर्ती में मिलेगा अनुभव का वेटेज। मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए सभी राज्यों के सभी जिलों में खुलेंगे अटल आवासीय स्कूल, BTC, DLED इत्यादि सभी कोर्स होंगे बंद, सिर्फ 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय BEd ही रहेगा प्राइमरी और जूनियर में मान्य। 2030 तक ही सरकारी शिक्षक भर्ती में लिए जाएंगे DLED अथवा PTC, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, TGT और PGT के लिए TET अनिवार्य, सभी की अलग अलग होंगी TET परीक्षा। सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो अनिवार्य हो गया है, आगामी शिक्षक भर्ती की मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा एकेडमिक, टेट, सुपर टेट और इंटरव्यू डेमो के नंबर से बनेगी मेरिट लिस्ट, बदलेगा सुपर टेट NTA का पैटर्न और सिलेबस विषय विशेष के लिए संबंधित विषय विशेषज्ञों की ही होगी भर्ती। प्री प्राइमरी, प्ले के, LKG, UKG शिक्षक भर्ती में NTT और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को मिलेगा मौका। प्री प्राइमरी 1 से 2 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र और NIOS DLED होंगे पात्र, नियुक्ति के प्रथम 3 वर्ष में होंगे पर विशाल काल, उपयुक्त आचरण न होने पर रद्द कर दी जाएगी नियुक्ति और अन्य किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं दिया जाएगा मौका। कार्यरत शिक्षकों की हर वर्ष विभागीय परीक्षा द्वारा तैयार की जाएगी रिपोर्ट, रिपोर्ट खराब होने पर वेतन में की जाएगी कटौती, 3 बार लगातार फेल होने पर
चली जाएगी नौकरी। बिना अवकाश लिए धरना प्रदर्शन इत्यादि करने पर होगी कार्रवाई। गंभीर आरोप में दोषी पाए जाने पर सजा के साथ छीनी जा सकती है नौकरी। यह है शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको सोशल मीडिया के माध्यम से दी जा रही है। ये रिपोर्ट, ये पोस्ट सबसे ज़्यादा इस समय शिक्षा विभाग के समस्त ग्रुपों में, टीचर्स के समस्त ग्रुपों में। स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। इसके बाद से खबर है, प्रदेश के शिक्षा संस्थानों में नया सत्र शुक्रवार को शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बेसिक शिक्षा की बेहतरी पर विशेष जोर है, इसलिए 4 अप्रैल को वे यूपी के आकांक्षी जिलों में शामिल श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान का शुभारम्भ करने जा रहे हैं। ये समाचार आप सोशल मीडिया के माध्यम से अनदेशक न्यूज़ पर सुन रहे हैं। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों की बैठक ली और कहा है जो कमज़ोर ज़िले हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनको अधिकारी और विधायकों द्वारा गोद लिया जाएगा और उनकी बेहतर व्यवस्था के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अब समाचार प्रपत्र को संबंधित, नया प्रपत्र आ गया है अनदेशकों के लिए। इसके बाद योगी सरकार का अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए नया फरमान, टाइम से दफ्तर आना होगा वरना। लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये समाचार आ रहा है, अधिकारियों और कर्मचारियों को टाइम पर दफ्तर आना अनिवार्य हो गया है। लेट लतीफ अफसर और कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर अफसर कर्मचारी समय से स्कूल या दफ्तर विद्यालय नहीं पहुँचेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में आज से दफ्तरों की चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। इन बाबत मुख्य सचिव ने भी सभी विभागों को, अपर मुख्य सचिव को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है। तो ये था अब तक का समाचार, मिलते किसी और अपडेट के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।